बाईपास में, पटना के बाईपास का यह दृश्य है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक ट्रक लगी हुई है, और अब आपको बता दूं ना कि ये ट्रक जो है डिवाइडर, देखिए यहाँ पे देखिए ये डिवाइडर है, डिवाइडर पर चढ़ते हुए तोड़ते हुए देखिए ट्रक का बोनट देख रहे होंगे, बोनट चेचिस आपका पूरा डिजाइन ही चेंज हो गया इस ट्रक का। अब माजरा क्या है, अब इसके बारे में बातचीत करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि माजरा क्या है। ये ट्रक जो है पूरे प्याज के बोरे से लदी हुई थी, और वो भी आपको दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसके ड्राइवर और इसके कंडक्टर से भी बात करेंगे कि आखिर क्या है। मेन सड़क है ये, हाईवे है ये, यहाँ का ये जो सड़क लेन है बहुत ही, पटना का जो टोल टैक्स वगैरह हो गया, जीरो माइल को इलाका हो गया, इधर में जाएँ तो आप दानापुर फुलवारी शरीफ के इलाका की ओर जाते हैं, और ये काफ़ी व्यस्त रूट है, और उसके बीच में डिवाइडर से तोड़ती हुई ट्रक आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप किस तरह ये, और अब यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। भैया क्या हुआ था, इधर आइए, इनसे बातचीत करते हैं। अरे ट्रैक्टर वाले ने दाब दिया था, उसको बचाने के चक्कर में हो गया। क्या हुआ था, ट्रैक्टर वाला आता वो सामने से आ गया अचानक से, उसको बचाने के चक्कर में हो गया। अच्छा आप ड्राइवर हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हैं ड्राइवर, और बेचारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये पूरा प्याज का बोरा है क्या ये? कितना बोरा प्याज होगा? 430 बोरा, यानी कितना क्विंटल? 25 टन है। 25 टन प्याज के बोरे जो हैं आपको इस बस ये ट्रक के पीछे लदे हुए थे, और ये ट्रक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है कैसे हुई, अचानक कैसे हुआ, बताइए पूरा माजरा हमको बताइए। पूरा माजरा ऐसे था, हम जा रहे थे सुबह का टाइम था, अचानक से ट्रैक्टर आ गया, उसको बचाने के चक्कर में इधर चढ़ गया गाड़ी में। अच्छा, संभले नहीं पाया। अच्छा ट्रक में क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैसे अब ये बीम निकल गया, इसको सही करवाना है। सही करवाना है, तो कब तक होगा ये? अभी हो जाएगा 2 घंटे में। 2 घंटे में हो जाएगा, और कितना खर्च बैठेगा? अब उसमें जो भी लगाए 8-10 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये लग ही जाएंगे, है ना। आइए मैं स्थिति दिखाता हूँ। वो कहाँ गया, वो ट्रैक्टर वाला कहाँ भाग गया? ट्रैक्टर वाला भाग गया, यहीं का था, नंबर नहीं देखे पाए, हम अपने उसमें लग गए। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? कानपुर जिला के हो जी। सही है भाई, देख लेते हैं पीछे में क्या दृश्य हुआ। देखिए जो लोग भी सफ़र करते हैं, अगर आपको इस तरह की दुर्घटना हो, कुछ लोग होते हैं क्या कि चढ़ाते हुए निकल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बचाव में अपने आप को भी दुर्घटनाग्रस्त कर लेते हैं, तो शायद आप बचाने में ऐसा काम हो गया आपके साथ। अगर आप नहीं बचाते तो क्या होता? दुर्घटना हो जाता। दुर्घटना में क्या होता, चढ़ा देते? आप चढ़ाते नहीं, हमने अपने आप को नुकसान कर लिया, उसको थोड़ी ना चढ़ा देंगे। अच्छा, मतलब इस तरह की घटना हो गई, आपने एक अच्छा काम किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन ये जो नुकसान है, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से सीखिएगा, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा है, ये अवेयरनेस के लिए बना रहा है, इससे आपको सीख रहा है। और आपको पीछे मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ है और देखने को। जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो दृश्य देख रहे होंगे, ये ट्रक जो है ये कितने चक्के की ट्रक है? कितने चक्के के ट्रक है? 12 चक्का। ये 12 चक्के की ट्रक आपको देखने को मिल रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का दृश्य क्या है। ये 12 चक्के की ट्रक डिवाइडर को तोड़ती हुई देख पा रहे हैं क्या दृश्य हो गया है, और इसमें 25 ये तो देख रहे प्याज के बोरे लग है। भाई साहब हट जाइए, ये पे आपको लें ट्रक में लदे हुए थे। कितना नुकसान समझ सकते हैं कि दूर जो है ड्राइवर की उपलिटी होती है, और कारण बस किसी के बचाव के कारण अपने आप को दुर्घटनाग्रस्त कर लेता है, तो जवाबदेही होता है, नुकसान भी होता है। अगर ये प्याज के बोरे अगर नष्ट हो जाते तो आप सोच सकते हैं कि 25 टन प्याज की कीमत क्या होगी। अभी जो भारत में प्याज जो है काफ़ी महंगा हो चुका है, और इस तरह का इतना भारी मात्रा में तो बहुत गलत। यहाँ पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सिर्फ ट्रक ही ट्रक यहाँ देख पा रहे हैं, और ये सबसे बिजी रूट है, और बिजी रूट में इस तरह की दुर्घटना होना बहुत ही दुखद की बात है। तो जो भी लोग चल रहे हैं संभल के चलिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। अभी आप देख रहे थे सम्राट उपाध्याय को एक्सप्लोर वर्ल्ड में। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लोगों को भी जागरूक करना भाई कि कम से कम रोड सेफ्टी का ख्याल रखे, एक्सीडेंट होने से बचेगा, दूसरों को भी लोग आप सुरक्षित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना, लोगों को भी जागरूक करना भाई कि कम से कम रोड सेफ्टी का ख्याल रखे, एक्सीडेंट होने से बचेगा, दूसरों को भी लोग आप सुरक्षित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।